हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो होगा एक फर्स्ट इम्प्रेशन वीडियो ऑन स्विस ब्यूटी मल्टी बेक्ड ब्लशर के ऊपर। ये कुछ ऐसा दिखता है। इसकी बहुत प्यारी सी आउटर पैकेजिंग है, चमचमाती हुई, लश्कारे मारती हुई सिल्वर कार्डबोर्ड की पैकेजिंग है। 49 रुपीज का ये रिटेल करता है और नेट वेट है इसका 10 ग्राम। और मेरे पास है शेड नंबर 01। इसमें करीब 7 से 8 शेड्स आते हैं और अमेजिंग है वो, एंड वेरी कंफ्यूजिंग आल्सो, बिकॉज इसका डिजाइन मैं अभी आपको अंदर से दिखाऊंगी। जो इसका इंटरनल पैकेज है ये देखिए, ये अंदर से कुछ ऐसा दिखता है, इतना प्यारा एंड इतनी शाइन आ रही है इसमें से, तो जब हम लगाएंगे तो कितना शाइन आएगा। ये अंदर से प्रोडक्ट कुछ ऐसा दिखता है। कंफ्यूजिंग मैं इसलिए कह रही थी क्योंकि ये जो मार्बल डिजाइन है, उस डिजाइन की वजह से कंफ्यूजन ये हो रही थी कि इतने सारे शेड्स हैं तो इनको लूंगी तो क्या कलर आएगा, आई मीन व्हेन आई अप्लाई ऑन माय चीक्स, बिकॉज दिस इज अ बेक्ड ब्लशर, तो इसको मैं लगाऊंगी तो क्या क्या कलर इसमें आ सकते हैं, बिकॉज उसमें कुछ ऑरेंज का भी कॉम्बिनेशन था, उसमें कुछ ब्राउन्स के भी कॉम्बिनेशन थे, तो दैट वॉज थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग फॉर मी। मैंने ये पिंक और गोल्डन का कॉम्बिनेशन चूज किया है। मेरे लिए ये फर्स्ट टाइम होगा क्योंकि मैंने कभी भी एक बेक्ड ब्लशर यूज नहीं किया, क्या होता है ये भी नहीं पता, तो इसके साथ मैं एक डेमो अपना लगा रही हूँ और उसमें दिखाते हैं कि इसको मैं यूज कैसे कर रही हूँ और इसको यूज करके क्या इसका इफेक्ट आता है। सो ज्यादा बातें ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले मैं लेती हूँ ये सिर्फ जहां पिंक है। वाओ, जस्ट लुक एट दिस कलर गाइस, इट कैन बी वेरी वेल यूज्ड एज अ हाइलाइटर। OMG, अब गोल्डन वाले पे लेती हूँ। इट्स एक्चुअली टाइम टू ग्लो गाइस। मुझे नहीं पता ये एज अ ब्लशर कैसे लगेगा, बट हाँ एज अ हाइलाइटर गजब बॉम्ब, सुपर बॉम्ब। आउट करके देखते हैं एज अ ब्लशर ये कैसे वर्क करता है। और इसके ऊपर से फेर लूंगी और डस्ट ऑफ करके, बिकॉज आई डोंट नो कैसे लगेगा स्माइल करते हुए। वाओ गाइस, मुझे लगता है जब आप इसको लगाएंगे तब आपको हाइलाइटर की अलग से जरूरत नहीं होगी। सो मैं अपना फेवरेट लाइन बोल देती हूँ, इट्स ग्लो टाइम, सी द ग्लो गाइस, आई एम सो एक्साइटेड, एक्चुअली आई एम सो एक्साइटेड। एक प्यारा सा कलर जो कि बहुत लाइट है, बिकॉज पिंक इसमें कम है, गोल्ड का डोमिनेंस इसमें ज्यादा है। और एक गजब का ग्लो, दिख रहा है आपको, सी द ग्लो। हाइलाइटर की तरह कैसे काम करेगा वो भी एक बार ही देख लेती हूँ। मैं पूरे में ही अपना ब्रश फेर रही हूँ और रैप ऑफ करके, वॉर्म है। और ये मेरे कलेक्शन में एक और जुड़ गया आप कह सकते हो। ये ब्लशर कहाँ से हुआ भाई, ये तो गजब का हाइलाइटर है। अपने हाईएस्ट पॉइंट्स पे मैं इसको लगा लूंगी एज अ हाइलाइटर। चिन एरिया, क्यूपिड बो, और इसी से ही मैं आईब्राउज को भी डिफाइन कर लूंगी, नॉट आईब्राउज, ब्राउ बोन को। Thank you.
गाइज, ये था मेरा एक छोटा सा फर्स्ट इम्प्रेशन रिव्यू ऑफ स्विस ब्यूटी बेक्ड मल्टी ब्लशर के ऊपर। अगर ये प्रोडक्ट आपको पसंद आया हो और आप इसको खरीदना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक दे दूंगी, तो चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे नए आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाजू में नोटिफिकेशन का बेल है, उसको भी हिट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो आप लोगों को उसका अपडेट ठीक टाइम पर मिले। अपने पसंदीदा हाइलाइटर को लेकर एक वीडियो बहुत जल्दी बनाने वाली हूँ, तब तक के लिए बनी रहेगा मेरे साथ। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज। मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।